तिवारीपुर व एसओजी की संयुक्त टीम ने 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर 5 अभियुक्तों को डोमिनगढ़ रेलवे लाइन के किनारे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विशाल निषाद पुत्र रामाकांत निषाद निवासी हरसेवकपुर टोला दहला थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर, दूसरा जुल्फकार आलम पुत्र सुकुल्ला निवासी करबला टोला लक्ष्मीपुर थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर, तीसरा आमिर अली पुत्र तसव्वर अली निवासी सिमरा हरदोहा थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर, चौथा कमलेश यादव पुत्र संत कुमार यादव निवासी हरसेवकपुर नंबर 2 टोला दहला थाना बुलहरिया जनपद गोरखपुर, पांचवा साहिल पुत्र रज्जब निवासी पिपरा मुस्तकिन अग्रवा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है, जिनके पास से 5 गौवंश, 1 पिकअप बिना नंबर प्लेट की, 1 मोटरसाइकिल, 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा खोखा कारतूस, 150 रुपए नगद बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक भूपेंद्र तिवारी, उपनिरीक्षक मोहम्मद शाहिद सिद्दकी, सदानंद सिन्हा, कांस्टेबल योगेश यादव, दीपक यादव, सौरभ निषाद, विकास यादव, एसओजी प्रभारी मनीष यादव, सर्विलांस प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय, हेड कांस्टेबल राजमंगल सिंह, राम इकबाल राय, इंद्रेश कुमार वर्मा, कांस्टेबल रणधीर कुमार सिंह, अरुण कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, पीछे जनपद गोरखपुर में पशु तस्करों के खिलाफ पिछले हफ्ते भर से एक सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पशु तस्करों की कमर तोड़ने के लिए एसओजी कैंट पुलिस एवं जनपद नगर की पुलिस लगी हुई थी। कल रात को सूचना मिली कि पशु तस्कर शहर में घुसे हैं, एवं तो इस बात की सूचना मिलने पर हम चारों तरफ घेराबंदी की। इसमें पुलिस पर जब घेराबंदी हुई तो पुलिस पर फायर किया गया, जवाबी फायरिंग भी की गई, ईंटा पत्थर से भी अटैक किया गया। एक पिकअप गाड़ी है, उसके पशु तस्कर भाग रहे थे तो उनको फिर बैरिकेडिंग करके एक अच्छे नए नायाब तरीके से उनको गाड़ी को रोका गया, एवं उसमें से 5 अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। उनमें उनके नाम कमलेश उर्फ कल्लू यादव, विशाल निषाद, मोनू जुल्फिकार एंड साहिल पुत्र रजब, तो ये 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एवं ये गोरखपुर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है कि पशु तस्करों की कमर तोड़ने में कामयाब रहे हैं, एवं इस अब ऑपरेशन में शामिल रहे एसओजी की टीम एवं कैंट पुलिस और थाना तिवारीपुर पुलिस को 25,000 रुपये का इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर की तरफ से नवाजा गया है।
ये पशु तस्कर हफ्ते में 2 से 3 बार ये वारदात कर जाते हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये कुशीनगर से आते हैं गोरखपुर जनपद में, एवं यहाँ से पशु तस्करी करने के बाद ये लोग यहाँ से सीधे बिहार जाते हैं। बिहार में माधोपुर नाम की जगह है, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर पशु मंडी लगती है और वहाँ से फिर पशु जो है वो बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है, जिस रैकेट के अंदर गोरखपुर पुलिस को उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार किसी प्रकार की घटना ना हो पाए, इसके लिए प्रभावी कार्रवाई की गई है। इसमें एक पिकअप, जिस पिकअप का प्रयोग ये लोग करते हैं, उसके आगे और पीछे बहुत मजबूत बम्पर लगाए हैं इन्होंने, एक अदद तमंचा, और इनके पास से इनके फ़ोन बरामद हुए हैं।